पत्र लिखा जी? हाँ जी। आई थिंक अभी हमें चलना चाहिए, और भी साइट्स विजिट करने हैं। मैम क्या हम थोड़ी देर और रुक सकते हैं? वो मैंने है ना एक केक ऑर्डर किया है, वो बस आता ही होगा। सभी का केक कटिंग हो जाए और उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। ओके ये देखिए, ये लीजिए आ गए। सभी सभी तुम्हारा केक आ गया, चलो जल्दी चलो चलो। केक आया, केक। चलो बच्चों, सभी का बर्थडे केक कट करना है, फटाफट आओ। एनिवर्सरी सई एंड विराट। ये क्या लिखा है, हैप्पी बर्थडे सभी क्यों नहीं लिखा? आज तो मतलब हमारी बेटी का जन्म हमारी मैरिज एनिवर्सरी के दिन पर हुआ था। ये कैसा मजाक है मिसेस चव्हाण? पाखी, ये क्यों लिखवाया तुमने केक पर? मैं ऐसा क्यों लिखवाऊंगी विराट, मैं ऐसा क्यों लिखूंगी? ये मुझे नहीं पता ये सब कैसे। ये देखो, इन दोनों का तो अलग ही चल रहा है। बताओ, वाइफ और एक्स वाइफ दोनों एक साथ? हैप्पी एनिवर्सरी क्यों नहीं कहा? एनिवर्सरी तो वो होता है ना जो आपके मम्मा पापा का था, और जब मैं आई थी, और जब मैंने केक भी खाया था। हाँ सभी, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि हैप्पी एनिवर्सरी, और डॉक्टर आंटी और बाबा का भी नाम है। आज आप लोगों की मैरिज एनिवर्सरी है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो मैं ये अभी पता करती हूँ उस केक वाले को फोन करके। हेलो। हेलो, हाँ अभी आपने जो पिकनिक स्पॉट पे केक डिलीवर किया है ना, उस पे आपने क्या लिख के भेजा है? मैम, आपने जो कहा था वही लिख के भेजा है। हैप्पी बर्थडे सभी। आप लिखने के बाद केक चेक नहीं करते हैं क्या? इस पे हैप्पी एनिवर्सरी सई और विराट लिखा है। ऐसा कैसे हो सकता है मैम? मैं भी तो आपसे यही पूछ रही हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैम बस मुझे एक मिनट दीजिए, मैं चेक करके बताता हूँ। एक्चुअली मैम वो पुराने रिकॉर्ड्स में था। इट्स 8th दिसंबर ना? आई गेस आपने इससे पहले कभी हमारी शॉप में एनिवर्सरी केक ऑर्डर किया होगा। तो सॉरी मैम, गलती हो गई। सॉरी का क्या मतलब है? सॉरी बोल दो और बर्थडे खराब कर दो बस। अब मैं आपके केक शॉप से कभी केक ऑर्डर नहीं करूंगी। आई बताओ ना, इस पे आपका और पापा का नाम क्यों लिखा है? एनिवर्सरी तो मीनू दादा की मम्मा और पापा की हुई थी ना कुछ दिन पहले। बड़ा वो केक वाले ने गड़बड़ कर दी है, डफर एक नंबर का। पतले गांठी ने ना लिखवाया था फ्रॉम सई एंड विराट, और उसको लगा फॉर सई एंड विराट ना, इसीलिए ये मैरिज एनिवर्सरी लिखा हुआ है ना, बस यही रीजन था और कुछ नहीं। बड़ा ये गड़बड़ हुई थी। सभी केक कैसे काटेगी? ये केक तो सभी के लिए है ही नहीं। पापा, अब मैं ये केक काटूं या नहीं काटूं? बड़ा सभी,
बाड़ा, ये केक तो आप ही के लिए आया है ना? सभी बेटा, आप चिंता मत करो, मैं ना ये केक एक मिनट में ठीक कर दूंगी। ऐसी कोई भी गलती नहीं होती जो सुधारी नहीं जा सकती। तुम चिंता मत करो, हाँ बेटा, मैं जस्ट अभी करती हूँ, ठीक है? आ जा वीनू। अरे मेरा केक तो खराब हो गया। कर रही हूँ बेटा, कर रही हूँ। ओके, पहले ही एक पति दो दो पत्नियां हैं, ऊपर से दोनों के बच्चे सेम स्कूल में पढ़ते हैं। ये ड्रामा क्या कम था कि अब बच्चे के बर्थडे में एक्स हस्बैंड वाइफ का केक मंगाया गया है। सच में जमाना बहुत मॉडर्न हो गया है, सीरियसली। लो बेटा, आपका आपका केक रेडी हो गया है, अब तुम कट कर लो। अब इस पे सही और विराट नहीं लिखा है, ठीक है? ये लो, कट करो। इसमें मेरा नाम नहीं लिखा हुआ है और हैप्पी बर्थडे भी नहीं लिखा हुआ है। बेटा, आज आपका ही बर्थडे और केक भी आपका ही है, तो नाम नहीं लिखा होगा तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है मिसेस सवा। मेरी बेटी पहली बार अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ केक काट रही थी, वो पहली बार अपने बाबा के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। And I'm sure, उसके बाबा भी चाहते होंगे कि कम से कम सभी के केक पर उसका नाम तो हो। वो ऐसे कोई जुगाड़ू केक ना काटे, है ना? क्या लाइए? सभी, आपकी आई ने ये केक कितना अच्छी तरह से सजाया है ना, अब तो इस पे आपका नाम भी है, देखो कितने अच्छे से लिखा है। पापा, मेरी आई तो बेस्ट है, थोड़ा अब मैं केक काटूं? हाँ काट लो। अब मेरा हाथ रख लो ना। Happy birthday! अरे पापा भी तो मेरा हाथ पकड़ के। ऐसे क्या देख रहे हो? आओ ना बाबा। आंटी, आप हमारी फोटो खींचोगे प्लीज?
हाँ हाँ बेटा। आजा बड़ा,